सेकेंड सोशल प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट मीन बेरोजगारी. अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट पीपल हु हैव नो जॉब. ऐसे लोग जिनके पास कोई जॉब नहीं होती उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. दे हैव नो सोर्स ऑफ इनकम. उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं होता. द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट्स अ बैड इफेक्ट ऑन द होल फैमिली. जिस बंदे के पास जॉब नहीं होती वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली जो है उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है. अब हम कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20, सोल्यूशन. अब हम रीड करेंगे कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर सकते हैं. देयर इज अ डायरेक्ट नीड टू ब्रिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज. यहाँ पे हमारी कंट्री को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जरूरत है जिससे हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें. दिस विल प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे हमारी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी. लोग जो हैं वो जो अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकेंगे, उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगी जिससे उनका सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा. द अदर फैक्टर विच कैन हेल्प अस टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट इज, और भी बहुत से फैक्टर हैं जो कि जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक लिटरेसी, कंट्रोल पॉपुलेशन एटसेट्रा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज टू सोशल प्रॉब्लम. नाउ कम टू पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अ सोशल प्रॉब्लम. अभी हमने रीड किया है कि सोशल प्रॉब्लम किसे कहते हैं. अनडिजायरेबल कंडीशन को हम, जो कि हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करे, उसे हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं. आपने अपनी कॉपी में चैप्टर की हेडिंग देख के लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अ सोशल प्रॉब्लम. And answer is an undesirable condition that affect a society is called social problem. अभी हम read भी कर चुके हैं, आपको clearly समझ आ गई होगी इस question की. Question number 2, highlight few social problem. आपने answer लिखने हैं, the few social problems faced by Pakistan are energy crisis, unemployment. इन दो problems को आपने read किया, आपको समझ आ गई. Illiteracy, poor education system, पोल्यूशन, चाइल्ड लेबर एंड ओवर पॉपुलेशन. इन टू क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी नीट कॉपी में लिखना है और साथ याद भी करना है. आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.